फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। एमएस पार्क थाने की क्रैक टीम स्टाफ द्वारा एक कुख्यात स्नैचर को पकड़ा, एक चाकू बरामद किया गया। डॉट शहादरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने मीडिया को बताया, घटना 5 मई 2024 को लगभग 9 बजे पीएसएमएस पार्क की क्रैक टीम, जिसमें एसआई जसबीर सिंह, एसआई कुलदीप, हेड कांस्टेबल इसरत बेग, हेड कांस्टेबल अनुज, हेड कांस्टेबल परवीन और हेड कांस्टेबल प्रदीप शामिल थे, जो गश्त ड्यूटी के दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी जो अवैध हथियार रखता है और सोने की चेन स्नैचिंग के बड़ी संख्या में मामलों में शामिल रहा है, वह इलाके में आगे की अपराध को अंजाम देने के लिए ग्रे रंग की स्कूटी में नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर से नंद नगरी की ओर जाएगा। इस सूचना पर एसएचओ एमएस पार्क के नेतृत्व में उपरोक्त छापेमारी टीम को तुरंत मुकेश वालिया एसीपी सीमापुरी की करीबी निगरानी में गठित किया गया था। लगभग 9:20 बजे एसआई दीपक, सीडीआर सेल एसएचडी की सहायता से टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को देखा और उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कूटी रोकने के बजाय आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि सतर्क और चौकस टीम ने अंततः थोड़ी देर का पीछा करने के बाद रेलवे लाइन जगतपुरी के पास व्यक्ति को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उसकी तलाशी लेने पर एक बटन सक्रिय चाकू बरामद हुआ। बाद में आरोपी की पहचान अमरीश निवासी नंद नगरी दिल्ली के रूप में हुई। उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 264/24 US 2554 आर्म्स एक्ट पीएसएमएस पार्क के तहत मामला दर्ज किया गया। सोने की चेन अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी, अपराध के समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े बरामद करने और अपराध में उसके अन्य साथियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। बरामदगी, एक बटन सक्रिय चाकू। आरोपी व्यक्ति का परिचय अमरीश निवासी नंद नगरी दिल्ली, वह पहले स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के 45 से अधिक मामलों में शामिल रहा है।